गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर डे अनदर व्लॉग। सो आज हम स्कूटी में घूमने वाले हैं और मैं ऑलरेडी फ्रीडम बीच आ भी चुका हूँ। अभी जा रहे हैं हम लोग फ्रीडम बीच। तो स्कूटी में 10 मिनट का राइड था यहाँ तक होटल से। सो फ्रीडम बीच में आप यहाँ पे आप 100 करके टिकट ले सकते हैं। ओह माय गॉड, रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ पे तो चला ही नहीं जा रहा है, इतना स्लोपी है रास्ता। और पता नहीं लिखा हुआ है पार्किंग नीचे, पता नहीं यहाँ से लोग कैसे चढ़ाते हैं बाइक। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल फ्रीडम बीच। यहाँ का पानी बहुत साफ है कंपेयर टू पातोंग बीच। कल जो हम लोग पातोंग बीच गए थे वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा था। गंदा मतलब एक अजीब सा घास फूस था वहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे तो एकदम से टर्कोश ब्लू वाटर है। वाह, नेक्स्ट लेवल बीच है ये तो। एंड प्रतिमा हैज चेंज हर क्लोथ नाउ, शी इज कंप्लीटली बीच वाइब गर्ल नाउ। अकॉर्डिंग टू थाईलैंड का जो टाइम है अभी यहाँ पे 9:21 हो गया है। एंड आप देख सकते हैं कि फ्रीडम बीच में कितना क्राउड है, थोड़ा बहुत क्राउड है। एंड आपको अगर एकदम फ्री चाहिए कि यहाँ पे लोग ना हो तो आप आराम से 7-8 बजे तक आ सकते हैं फ्रीडम बीच। इतना ज़्यादा रश नहीं रहता, अभी जस्ट लोग आना स्टार्ट हुए हैं। क्रैब बाहर ही नहीं निकल रहा है। वेरी यूनिक क्रैब। Look at the monkey. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we go? Now it's time to leave this beach. बहुत मज़ा आया यहाँ पे। लगभग हमने 2 घंटा स्पेंड किया यहाँ पे और जाने का मन तो नहीं कर रहे, बट बहुत सारा जगह जाना है। तो आज हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में खाने आए हैं और यहाँ पे कंपेरेटिवली जो लास्ट यस्टरडे हमने यहाँ पे खाया था वहाँ से थोड़ा आपका एक्सपेंसिव है, बट स्टिल आज इंडियन खाने का मन था तो हम इधर आए हैं। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स गाड़ी में सफ़र करने के बाद हम लोग नोई बीच आ चुके हैं। और आप स्कूटी ऊपर ही रख दीजिएगा, सच में वो जो बोल रहे थे कि ये रास्ता बहुत ख़राब है तो स्कूटी लेके मत आइए। ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं है, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड, स्पेशली रिटर्न जाते वक्त तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो 200 करके पर पर्सन पड़ेगा आपको, 100 रुपीज़ गाड़ी का चार्ज एंड 100 रुपीज़ ये बीच का चार्ज। तो वही बेटर है, वही चूज़ कीजिएगा। एंड दिस बीच इज़ रियली ब्यूटीफुल। आई शो यू सम ऑफ द गुड स्विंग जहाँ पे आप फोटो खींच सकते हैं। एंड प्रतिमा इज़ रियली हैप्पी क्योंकि इसका वो स्विंग वाला फोटो होने वाला है। बहुत ज़्यादा धूप है और पता नहीं हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे या नहीं, हमको और भी कवर करना है यहाँ से। एक्चुअली रॉक भी जाने वाले थे बंद नहीं जाएंगे, ये स्विंग वगैरह सब यहीं पे अवेलेबल है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे सीधा वाइट बुद्धा एंड वहाँ से हमको ओल्ड टाउन भी जाना है। एंड टुमारो वी आर ट्रैवलिंग टू 50 आइलैंड, तो आज ही हमको सब कवर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे पानी एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। और जो भी बीच
हम जा रहे हैं एवरी बीच में आपको डिफरेंट 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 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सैंड एकदम मोटे मोटे हैं, इससे पहले जो हम लोग गए थे वहाँ पे छोटे छोटे सैंड था, उससे पहले जब गए थे हम वहाँ पे थोड़ा गंदा था बीच। तो ये सब क्लोज क्लोज ही है, लेकिन आपको हर बीच में डिफरेंट ही एक्सपीरियंस मिलेगा, विच इज़ गुड। भी स्ट्रगल दोनों का फोटो क्लिक करने का एक साथ, तो थैंक गॉड वी गॉट सम नाइस टूरिस्ट हियर, उन्होंने हमारा अच्छा फोटो क्लिक कर दिया एंड इन रिटर्न हमने भी उनका अच्छा अच्छा फोटो क्लिक कर दिया। Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. So Pratima is so happy, she's finally got to swing here. तो ये बहुत पहले से मन था, आई थिंक उसका ये वन ऑफ द विश लिस्ट था कि उसे ऐसे स्विंग में बैठना है एंड स्विंग करना है टुवर्ड्स बीच एंड सी सो हैप्पी। आर यू हैप्पी? You asked me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking. So, 14 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं वाइट बुद्धा एंड इट्स रियली ह्यूमंगस, बहुत बड़ा है, तो आपको दिख जाएगा अभी थोड़ी देर में। एंड बहुत टायर्ड हो गई है प्रतिमा, चश्मा लगाई है, मेरे भी आँख थोड़े रेड रेड हो गए। तो ये चश्मा नॉर्मली मैं चश्मा पहनता नहीं हूँ, लेकिन अभी पहन रखा हूँ, इतना ज़्यादा धूप है। धूप से भी हाल, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। तो अगर आप फुकेट आते हैं तो वाइट बुद्धा जरूर आइए, क्योंकि यहाँ से होल फुकेट टाउन आपको दिख जाएगा, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी से चश्मा खोला नहीं जा रहा क्योंकि इतना कड़क धूप है, इट्स सो वाइट एंड इवन द बुद्धा इज प्योर वाइट। तो वाइट बुद्धा भी घूमना हो गया, अब हम जाने वाले हैं फुकेट ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन है, ओल्ड टाउन हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम प्लान कर रहे हैं कि वापस जाएंगे फ्रीडम बीच और नहाएंगे वहाँ जाके बहुत, क्योंकि सुबह तो हमें घूमना था तो नहा नहीं पाए एंड वी आर मिसिंग दैट बिकॉज द बीच वॉज सो प्रीटी। अब वहाँ जाके हमको नहाना है। तो काफ़ी रात हो चुका है अभी और हम लोग एक्चुअली गए नहीं उधर ओल्ड टाउन, क्योंकि बहुत थक गए थे और जाने का मन भी नहीं हो रहा था शायद, तो हम शाम को इधर आ गए थे वापस फ्रीडम बीच थोड़ा स्विमिंग करने के लिए। एंड जैसे कि अभी सूरज ढल चुका है सो वी आर गोइंग बैक होटल, और इस ब्लॉग को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग एंड आई होप आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया। इफ पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव अ थम्स अप। ये इसने क्या ऑर्डर कर दिया? तो टुनाइट आई एम हैविंग दिस चिकन राइस थुप्पा नूडल एंड शी इज हैविंग दिस मॉर्निंग ग्लोरी एंड दिस इज अ वेरी यूनिक फूड वी डिडंट नो बट शी ऑर्डर्ड, नाउ शी हैव टू पैक एवरीथिंग इन दिस एंड ईट।